बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पर संदेह व्यक्त किया है और कहा है कि बिहार की जनता को हफ्तों तक कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रिपोर्ट आखिरकार चंद घंटों में कैसे आ गई, वह चौंकाने वाली बात है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि उन्हें इस बात का संदेह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रिपोर्ट सही है। तेजस्वी ने इस बात की आशंका जताई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना नहीं है, चुनाव पर है सरकार का फोकस। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेस्ट रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है, ऐसे में अब संदेह होना स्वाभाविक है कि जो टेस्ट नहीं कराया उसका जो है टेस्ट रिपोर्ट आ रहा है और जो टेस्ट कराया है उसका रिपोर्ट ही नहीं आ रहा। हमारे आरजेडी के कई एमएलए कई एमएलसी जो हैं 18-19 दिन से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक जो है टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया। अब तो हमको शक है कि मुख्यमंत्री का जो टेस्ट हुआ जो रिपोर्ट आई इस पे हमको शंका है कि जहां 20 दिन लग जा रहे हैं लोगों को टेस्ट रिपोर्ट आने में और जहां जो कराया नहीं जो कराया है उसको 20 दिन लग जा रहे हैं, जो नहीं कराया है टेस्ट जिसको पता ही नहीं कि उसका भी टेस्ट हुआ है उसका पॉजिटिव आ जा रहा है और मुख्यमंत्री का रिपोर्ट 2 घंटे में आ जा रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में टेस्ट के सारे दावे खोखले हैं, जमीनी हकीकत क्या है यह बात अब सामने आ चुकी है। केंद्रीय टीम बिहार के दौरे पर है लेकिन सबका ध्यान केवल चुनाव पर लगा हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता में चुनाव है, जबकि चुनाव को किनारे करते हुए फिलहाल कोरोना महामारी में लोगों को राहत पहुंचाने पर फोकस रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।